बॉलीवुड पिछले कई महीनों से ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। अब एक नाम बॉलीवुड के बड़े स्टार के बेटे का सामने आया है। एनसीबी ने इस स्टार पुत्र को पकड़ा है। इससे पूछताछ चल रही है। वहीं बड़े स्टार के बेटे ने बताया कि उन्हें इस पार्टी में गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। उन्होंने पार्टी में शामिल होने के लिए कोई पैसा नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक करीब 80,000 रुपए एंट्री फीस ली गई थी। वहीं एनसीबी से मिली जानकारी के मुताबिक सुपरस्टार के बेटे के लेंस के डब्बे से ड्रग्स बरामद हुई है। दरअसल मुंबई में एक शिप में ड्रग्स पार्टी हो रही थी। एनसीबी को इसकी सूचना मिली और उन्होंने पार्टी पर रेड डाली। समंदर में एनसीबी के रेड से तहलका मच गया। समंदर में एनसीबी का ये पहला सबसे बड़ा ऑपरेशन था। पार्टी में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। टिप मिलने के बाद वो अपनी टीम के साथ मुंबई में उस शिप पर सवार हो गए थे। शिप पर तलाशी ली गई, जिसमें ड्रग्स बरामद हुए। एनसीबी से मिली जानकारी के मुताबिक सुपरस्टार के बेटे के लेंस के डिब्बे से ड्रग्स बरामद हुई। इसके साथ ही क्रूज से 3 लड़कियों को पकड़ा गया है। तीनों लड़कियां दिल्ली के अलग अलग बिजनेसमैन की बेटियां हैं। बता दें कि एनसीबी मुंबई के अधिकारियों ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जाने वाले कॉर्डिलिया क्रूज पर छापेमारी की। ऑपरेशन के दौरान सभी संदिग्धों की तलाशी ली गई। जानकारी के मुताबिक एमडीएमए, एक्सटेसी, कोकीन, एमडी जैसी विभिन्न दवाएं और चरस बरामद किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।